आप देख रहे हैं TNB। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने हरियाणा का 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ का बजट पेश किया, जो 2021-22 के 1,53,384 करोड़ से 15.6% अधिक है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। CM ने कहा कि COVID-19 के बाद अर्थव्यवस्था को गति देने वाला यह बजट है। यह बजट आने वाले 25 सालों में विकास की दिशा निश्चित करेगी। CM ने कहा कि पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए काउंटर साइक्लिकल फिस्कल उपाय किए। देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4%, इसे 4% करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 3 प्रमुख उद्देश्य: अंत्योदय की भावना से सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण, प्रभावी आय पुनः वितरण नीतियों के साथ उत्पादकता में वृद्धि और रोजगार व उद्यमिता सृजन रखें। वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव, जो 2021-22 के 1,53,384.40 करोड़ रुपए से 15.6% अधिक है। GSDP 2014 के 3,70,535 करोड़ के मुकाबले 2021-22 में 5,88,771 करोड़ हुआ, जो 15.6% अधिक है। इस बजट परिव्यय में 61,57.35 करोड़ रुपए का और 1,16,158.63 करोड़ रुपए का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शामिल है, जो कि क्रमशः 34.4% और 65.6% है। CM ने कहा कि इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी जोड़ा। 1,77,255.98 करोड़ रुपए के कुल बजट में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.77 करोड़ रुपए आवंटित किए। हम अपने राजकोषीय घाटे को वर्ष 2021-22 के लिए 15वें केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा GSDP के 4% के भीतर रखने में सफल रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।